चिंता से निश्चिंत बनाया, खूबियों
Oh, Shetty. A master Vishwa Kalyani. Parmatam Snehi Vachu Prati. Parmatam Mahavakya hai. Nirakari, Nirvikari, or Nirahankari Bhava. Yehi hai Manmana Bhava. अच्छी भवा अनुभव करें मैं अपने वरदानी मास्टर विश्व कल्याणी स्वरूप द्वारा सर्व आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला पवित्र फरिश्ता हूं Thank you.
ざりした。आकाश मार्ग में विचरण करता हुआ समस्त विश्व का भ्रमण कर रहा हूं। जहां पर नेगेटिविटी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, हर एक मनुष्य आत्मा दुखी है। अपवित्रता, कुसंस्कारों और विकारों की बदबू समस्त विश्व में व्याप्त हो रही है। ऐसे में मुझ फरिश्ते को परमपिता परमात्मा शिव ने विश्व में पवित्रता, सुख शांति की किरणें फैलाने के लिए मुझे इस पृथ्वी लोक पर सेवार्थ जाने की आज्ञा दी है। पवित्रता का फरिश्ता विश्व ग्लोब पर विराजित हो परम पिता से सर्व गुणों व सर्व शक्तियों की किरणें लेकर अनवरत इस धरा पर प्रवाहित कर रहा हूं।
मुझ से निकलती पवित्रता सुख शांति शक्ति संपन्न किरणें समस्त विश्व में फैल रही है। और मनुष्य आत्मा के चित को छूकर उन्हें पवित्र बना रही है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का हृदय परिवर्तन होता जा रहा है। उन्हें अपने द्वारा किए जा रहे घृणित कर्तव्यों कुकर्मों से घृणा उत्पन्न होती जा रही। पापों को महसूस कर उनसे मुक्त होने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। हर तरफ व्याप्त अफरा तफरी का माहौल धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। महसूस कर उनसे मुक्त होने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं।
मनुष्यात्माए अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों की कड़ी सजाएं भोगकर उनसे मुक्त होती जा रही है। मुझ फरिश्ते से निकलती सर्व शक्तियों की अनवरत किरणें उन्हें पाप मुक्त होने में सहायता प्रदान कर रही है। वे सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर रही है। मुझसे घड़ी घड़ी उन्हें अपने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। मेरे द्वारा उन्हें परमात्मा के सत्य स्वरूप का भी साक्षात्कार हो रहा है। वे अपने अविनाशी पिता दुखहर्ता सुखकर्ता का साक्षात्कार कर आनंदित हो रहे हैं। वे अपने दुख दर्द को भूल सुख का अनुभव कर रहे हैं। उनमें वे के स्थान पर निर्भयता का प्रादुर्भाव हो रहा है। वे अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाकर तृप्त हो रहे हैं। वे खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सर्व आत्माएं पाप मुक्त होकर अपने घर शांति धाम को लौट रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है।
वे अंत को प्राप्त कर रही है। अब मैं फरिश्ता अपने फरिश्ते चोले के साथ उड़ चलता हूं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख। शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते को परमात्म स्नेह की डोरी में बांध दे। अनंत सुखद अनुभव करा रही है। फरिश्ते चोले को यहीं छोड़ मैं अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा उड़ चलती हूं अपने निज घर परम धाम में। शिव बाबा के बिल्कुल पास में बिंदी आत्मा शिव बाबा की यादों में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही। बस मैं आत्मा बिंदी और मेरा प्यारा पिता शिव बाबा बिंदी और 2 मिनट डीप साइलेंस में शक्तिशाली ज्वालामुखी योग में मैं आत्मा अपने सारे पुराने हिसाब किताब को दग्ध कर रही हूं। 2 मिनट डीप साइलेंस शक्तिशाली ज्वालामुखी।
ज्वाला मुखी योग अग्नि, मैं आत्मा स्वयं को बोझ हूं, हल्का और रिलैक्स अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा इस सुखद स्थिति में परम धाम से नीचे सूक्ष्म बदन की ओर पहुंच जाती हूं। बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख दादा की स्नेहयुक्त दृष्टि लेते अपने हाथों से प्यारे मीठे बाप दादा को भूख की किट्टी तैयार कर उन्हें स्वीकार कराती हूं। और महसूस करती हूं प्यारे मीठे बाप दादा भी कुछ फरिश्ते को भूख की किट्टी खिला रहे हैं। मैं बाबा को खिलाती हूं और बाबा मुझे। मैं फरिश्ता बाप दादा को जल स्वीकार कराकर सूक्ष्म वतन से नीचे साकारी दुनिया में साकारी तन में पहुंच जाता हूं। अपने हाथों में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। महसूस करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी शक्तिशाली दृष्टि का प्रवाह इस जल के एक एक अणु को उनकी श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज कर रहा है। जिससे पीने वाला हर एक सदस्य तन मन से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी और श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। ये जल परमात्म स्नेह की ऊर्जा अपने भीतर समाये परिवार में रूहानी स्नेह आपसी समझ और तालमेल बढ़ा रहा है। निर्मोही परंतु जिम्मेदारियों से परिपूर्ण बना रहा है। कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करा रहा है। टीचर अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में डाल सकते हैं जिसमें से सभी जल पीते हो। शांति।